पूछ मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? काकू नहीं, आओ। आई। क्यों मैं तुझसे ये मान सम्मान वापस छीन रही हूं? क्योंकि तू इस मान सम्मान के लायक ही नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। वहीनी, आई का ना वही, आओ काकू। ये सिर्फ मौली नहीं थी, ये प्यार और सम्मान की निशानी थी जो मैं वापस ले रही हूं। क्योंकि तू इसके काबिल नहीं है। काकू, आपकी नजरों में मैं भले ही अब इस सम्मान के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरी नजरों में आपका जितना मान था उतना ही रहेगा। मेरे दिल में आपके लिए पहले भी इज्जत थी और हमेशा रहेगी। और अब जब आपको सब सच पता चल गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरी 24 घंटे की शिफ्ट है और आगे भी हो सकती है। 24 घंटे? क्या बोलती है तू? इसका मतलब घर की बहू दिन में ही नहीं रात में भी बाहर रहेगी? अरे विराट, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, समझा इसे? तो क्या हो गया काकू? मेरी भी तो रात की ड्यूटी लगती है ना, रात रात भर मैं भी बाहर रहता हूँ, और मेडिकल प्रोफेशन में ये बहुत नॉर्मल चीज है। अब इमरजेंसी दिन या रात देख कर तो नहीं आएगी ना, भगवान ना करे लेकिन किसी दिन हमारे घर में इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहे तो? काकू सही, और मेरा काम एक जैसा ही है, समाज की सेवा करना, और सेवा करने का कोई तय वक्त तो नहीं होता। तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं औरतों के घर से बाहर काम करने के खिलाफ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। जब ओमी पढ़ाई कर रहा था तब मैंने भी तो पूरे फैमिली बिजनेस को अकेले संभाला था, और जब ओमी बिजनेस संभालने के काबिल हो गया तो मैंने उसे ही जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब मैं बिजनेस क्यों नहीं संभालती हूँ? बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि किसे क्या करना है, कौन क्या करेगा ताकि घर गृहस्थी सही से चले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मेरा है या सही का है, लेकिन ये बात उस वक्त सही थी और आज भी उतनी ही सही है। जिसे जो काम दिया गया हो उसे वो करना चाहिए और उसे वो करना ही पड़ेगा। काकू, बुजुर्गों ने जो सलाह दी आपने उसी को नियम ही बना दिया। जो जिस काम में अच्छा है वो वही क्यों नहीं कर सकता? बहनी, मैं मानती हूं विराट ने आपसे झूठ बोल के गलती की, और इसके लिए उसने आपसे माफी भी मांगी। नहीं बहनी, आपका गुस्सा भी एकदम जायज है, लेकिन बहनी एक बार ये तो सोच के देखिए ना कि सही इस घर में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, और वो सपना वो सच भी कर रही है। देखिए, आज घर के बच्चों ने भी उनका पक्ष हमारे सामने रखा, तो मुझे ऐसे लगता है कि समय के चलते हमें भी हमारे घर के नियम थोड़े से बदलने चाहिए। और मुझे लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि घर के बेटे अगर घर में हाथ बटा रहे हैं तो इसमें हार्जी क्या है? और हम लोग ये भी तो नहीं भूले है ना बहनी कि नागेश दादा के जाने के बाद आपने अकेली ने एक औरत होने के बावजूद भी इस घर का पूरा बिजनेस संभाला। वक्त की जरूरत तो ये थी, लेकिन आपकी काबिलियत भी तो थी। तो अगर आज के समय के हिसाब से घर के बहुओं को अगर ऐसा कदम उठाना पड़ा तो उसमें हर्ज क्या है?
बल्कि हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका ढाढ़स बंधाना चाहिए। हमें तो खुशी होनी चाहिए नवीनी कि घर की बहू है, अगर वक्त पड़े तो अपने दम पर सब कुछ संभाल सकती है। पर हमारे बेटे भी बाहर के काम के साथ साथ घर की भी देखभाल कर सकते। तू भी इन बच्चों की बातों में आ गई? क्या कहते इनकी भाषा में? गोल लगने के चक्कर में भूल कर रही है तू। लेकिन मैं इस भूल की भागीदार नहीं बन सकती। मुझे अब किसी से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सुनना है किसी का। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, मेरी बात तो सुनिए। जा रही हो? नहीं, क्यों? फिर ये सब? वो सामान काफी बिखरा हुआ था तो मैं फिर से समेटने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन तुमने पिछले हफ्ते कबर्ड सेट किया था ना? अब तो लिखा, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं। कोई बात है तो मुझसे बोल सकती हो तुम। तुमने नीचे ये क्यों कहा कि अगर मैं काम करना चाहूं तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे? क्या मतलब क्यों कहा? मतलब ये कि तुमने जो कहा वो वाकई तुमने दिल से कहा था या फिर मेरे साथ देने की आड़ में तुम सही का साथ दे रहे थे? ओह कम ऑन पत्रलेखा, तुम हर चीज के बारे में इतना क्यों सोचती हो? मैंने नीचे जो कुछ भी कहा है वो दिल से कहा है। अगर तुम्हें कोई जॉब या कोई भी काम करना होगा तो मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट होगा। I'm surprised. मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जॉब करने के बारे में इतना सोचते भी होंगे, क्योंकि हमने कभी भी मेरे करियर या मेरी जॉब वगैरह के बारे में कभी कोई बात नहीं की। बात तो नहीं की, लेकिन I really admire your work. विराट सर, आज मैंने सबका दिल दुखाया है, सबको बहुत डिसअपॉइंट किया है। विराट सर, जानता हूं मैं सही। तुम यही कहोगे कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ये सब नहीं होता। ये कहना चाहती हो ना कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आपको दो बातों के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक, कि आज आपने काकू से सच बोला, और दूसरा, आपने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। आपने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि घर की हर बहू के लिए आवाज उठाई। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप ये मत सोचिए कि काकू आपकी वजह से हर्ट है। काकू मेरी वजह से दुखी है, क्योंकि अब मैं वो बहू नहीं हूं ना जिसे देखकर काकू प्राउड फील करती। आइए, इधर आइए। आज जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन आज जिस तरह से आपने सबके सामने मेरा साथ दिया, घर के बेटे और बहुओं को एक दर्जा दिलाने की बात की, उससे मुझे बहुत खुशी पहुंची है। विराज साहब, आप चाहते तो काकू को खुश करने के लिए मुझे कह सकते थे कि मैं अपना करियर, अपना सपना छोड़ दूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा।
आपने आबा का सपना पूरा करने के लिए एक बार फिर मेरा साथ दिया। And I love you for that. I'm so proud of you, Virat.